यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम से नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मिनी मिलिशिया डॉर्डल आर्मी 2। सो गाइस, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत पुरानी गेम है तो आप वापस से क्यों खेल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें नए अपडेट्स आए हैं तो हम इसको वापस से खेल रहे हैं और आपको बता रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम फ्री फायर, पबजी और भी सारी गेम्स खेलें, GTA 5, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी हम मैच स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम थर्ड लेवल में हैं, तो आइए चलते हैं। पहले हम लोग एक फ्री फॉर रियल खेलते हैं जंक यार्ड पे, उसके बाद हम क्रॉस फायर पे खेलेंगे, फिर एक टीम डेथ मैच, उसके बाद हम आपको आगे का बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है अभी, और अभी हमने शुरू ही किया है। तो हमारे साथ आए लीजन गेमर सुदर्शन, अंकुर मावीन, अश्वन, सुदर्शन, अंकुर मावी, और ये क्या, यहाँ पे एक और बंदा मिल गया मेरे को। और हम रेकर्ड डिस्ट्रॉय से मर चुके हैं क्योंकि हमारे पास कोई अच्छी गन नहीं थी। कोई बात नहीं गाइस, अभी हम इसको मजा चुकाएंगे। और ये क्या, शायद से ओके गाइस, सो एक बंदा आ चुका है यहाँ पे, और अभी हम उसको बताते हैं हम है कौन। और गाइस, गलती से बॉम्ब हमारे ऊपर ही गिर गया। कोई बात नहीं गाइस, अभी हमारे 1 किल हो गए हैं और सुदर्शन के 4 हैं। कोई बात नहीं गाइस, अभी हम अब गेम शुरू करते हैं। सो गाइस, पहले हम एक बॉम्ब कलेक्ट कर लेते हैं और गाइस इस वाले को मार देते हैं। और गाइस, हम उसको नहीं मार पाए, शायद से वो प्रो है क्योंकि वो उसको हमने इतनी गालियां मारी और वो नहीं मरा। नाम भी उसका क्या है, पबजी बॉय। सो गाइस, अब हम बताते हैं, पबजी भी मिनी मिलिशिया टाइप है। और गाइस, हमें सुदर्शन ने मार दिया है बॉम्ब से। गाइस, सुदर्शन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वो शायद से प्रो प्लेयर हैं, उनकी स्किन भी अच्छी खुल चुकी है और अभी हमारी स्किन ऐसी है। और अश्वन प्रो अब हमारे यहाँ तो मरेंगे। सो गाइस, ये देख लीजिए, शायद से उनका नेट गया है। और गाइस, हमने उनको मार दिया है। और गाइस, शॉटगन सुदर्शन, मैंने आपको कहा था कि वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और अभी हम सेकंड रैंक पे हैं। और गाइस, इसी के साथ रिक्वेट डिस्ट्रॉयर मर गए हैं हमारे यहाँ, तो अभी हम थर्ड पे पहुंच गए हैं और हम वापस से अपनी रैंक बढ़ाएंगे। और गाइस, हमें यहाँ पे ये, और गाइस ये बॉम्ब कहाँ से है हमें पता नहीं चला। कोई बात नहीं गाइस, अब हम और गाइस भी हमारे झांसे में आ गए। और गाइस, हम गलती से अंकुर मावी से मर चुके हैं। कोई बात नहीं गाइस, अब हम वापस से सेकंड रैंक पे आ चुके हैं और अंकुर मावी हमारे जितने में ही हैं। और गाइस, हमें लगता नहीं है कि हम इस बार फर्स्ट आ पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो सुदर्शन है वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन हम ऑप्शन प्रो को तो मार पाएंगे ना। सो गाइस, ऑप्शन प्रो को हमने कहा था हम मार पाएंगे और हम उनको मार चुके हैं। तो अब हम गन चेंज करते हैं गाइस। और गाइस, हमें वापस से अंकुर मावी ने मार दिया और अंकुर मावी हमारे से आगे पहुंच गया, हमारे से नहीं देख सकते, इसलिए हम वापस से सेकंड रैंक पे आगे दिखेंगे। 50 सेकंड्स लेफ्ट और गेम हैज बीन फिनिश्ड नाउ। सो गाइस, यहाँ पे अंकुर मावी बैठे हैं
हम इनको आराम से मारेंगे। गाइस ये क्या हुआ, कोई बात नहीं गाइस, हम नीचे जाके इसको ऐसे। और गाइस वो हमसे भी मर गया और हम वापस से थर्ड पे ही हैं। हमें 20 सेकंड्स में जैसे भी करके एक बंदे को मारना ही पड़ेगा, तो जल्दी से हम चलते हैं। और गाइस यहाँ पे मैच फिनिश्ड। और गाइस अभी हम देखते हैं हम सेकंड पे हैं या थर्ड पे। सुदर्शन हमने कहा था विनर है क्योंकि उसके पास प्रो था और हम थर्ड आए हैं। कोई बात नहीं गाइस, हमें एक गोल्डन चेस्ट मिली है, अभी हम एग्जिट होते हैं यहाँ से। और गाइस यहाँ पे गोल्डन चेस्ट आ चुकी है हमारे पास, यहाँ पे हम एडिट आते हैं, बैटल करते हैं फ्री फॉर टाइल का। और हमने आपको कहा था कि इसके बाद हम खेलेंगे क्रॉस फायर। सो गाइस हम अब इसमें हम जीत के दिखाएंगे। सो यहाँ पे गनर बाल्डी, वैंडी डर्मन, अभी यहाँ पे शुरुआत हो गया, लीजेंड गेमर, प्रो मेलिल, शिन चैन, दस टिन स्पाइडर, हिमांशु किंग, वैंडी मोन इंडिया से। कोई बात नहीं गाइस, हम सबको मारेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। और गाइस यहाँ पे शायद से ऊपर कोई, हम पहले एक ऊपर वाला को मारा थे, पहले गन मिल गई हमें गाइस, हम वो उठाते हैं। सो गाइस अगर आप चाहते हैं कि हम आपको हर दिन वीडियो डालें तो आप हमें ज़रूर, और हम हर दिन डालेंगे अगर आप कहें तो। लेकिन गाइस आप कमेंट में ज़रूर ये भी बताना कि हमें पबजी या और किसी चीज़ की वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। और गाइस हमारा एक किल हो गया है और शिनचैन प्रो हमसे आगे हैं। कोई बात नहीं गाइस, टिन स्पाइडर गेम से ही चले गए, वाह गाइस। सो गाइस तभी मैं ज़्यादातर मिनी मिलिशिया खेलता नहीं क्योंकि यहाँ पे लोग जल्दी जल्दी चले जाते हैं, पबजी में भी चले जाते हैं लोग, लेकिन गाइस ये बहुत गंदी चीज़ है। और गाइस हम चिपकू बॉम, इसका नाम चिपकू बॉम है, जिसको नहीं पता तो आप मिनी मिलिशिया पहली वाली नहीं खेलते हमें लग रहा है, तो इसका नाम चिपकू बॉम है, हम आपको ये बता देते हैं। अच्छा टाइम बॉम भी होते हैं, अभी हम टाइम बॉम ढूंढते हैं, उसमें हम जो भी कोई पास आता है वो मर जाता है। तो गाइस हमारा शायद से कुछ प्रॉब्लम हो गया। सो गाइस मेरा कनेक्शन जा चुका है। सो गाइस सॉरी लेकिन मेरा कनेक्शन जा चुका था, तो अब हमारा कनेक्शन वापस से आ चुका है। और यहाँ पे ये हमने कुछ उठाया तो है, और यहाँ पे देख लीजिए टाइम बॉम लगा है, यही होता है टाइम बॉम, मैं आपको जो बता रहा था। सो गाइस इधर टाइम बॉम से हमें बचना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये चिपकू बम। सो गाइस हमें लोग तो दिख नहीं रहे अभी भी, तो गाइस हम थोड़ा नीचे चलते हैं, और ऊपर एक बंदा आ गया और हमारा बूस्ट भी फिनिश्ड। सो गाइस अभी हम फोर्थ रैंक पे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस बार सारे प्रो आए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि क्योंकि इसमें स्किन लॉक करनी होती है और स्किन लॉक के लिए बड़े सारे हम लोगों को खेलना भी पड़ता है, तो अभी हमने तो नई शुरुआत की है इसलिए हम अभी ऐसे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये लोग प्रो है और हम अभी बज़ूका भी नहीं उठा सकते। अगर आपको नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्योंकि पुराने मिनी मिलिशिया में ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। सो गाइस आप प्लीज़ ज़रूर वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ गाइस। सो गाइस हमारे वो टाइम बम से शिनचैन मर चुका है, हमने कहा था कि वो टाइम बम बहुत अच्छे होते हैं, इस बार हम थर्ड नहीं आएंगे और शायद से हम थर्ड ही आएंगे। सो गाइस
अभी कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टीम डेथ मैच है उसमें तो हम पक्का ही जीतेंगे क्योंकि उसमें हमारी टीम भी है। सो गाइस अभी हम आगे चल रहे हैं और ये नीचे बंदा मिला, एक बंदे को तो मार के ही जाएंगे गाइस, ऐसे थोड़ी ना। और ये हम पहले बूस्टर ले लेते हैं उसे, और ये बूस्टर ले लिया मैंने, और अब देखें गाइस इसको हम कैसे मारते हैं। सो गाइस हमने यहाँ पे बॉम्ब गिराया नीचे, तो ये नीचे तक तो नहीं गया। सो गाइस हम पहले रिलोडिंग करते हैं, सिर्फ 10 सेकंड रह गए हैं, हमें किसी ना किसी को तो मारना ज़रूरी है। तो गाइस हम शिनचैन के पास शॉटगन टाइप थी तो हम मर गए, कोई बात नहीं गाइस, अब टीम डेथ मैच है। सो गाइस अगर आपको लग रहा होगा कि मैं अभी भी वीडियोस डाल रहा हूँ यूट्यूब पे कि बल्कि मेरा गाइस कि अभी मैं अच्छी वीडियोस नहीं जा पा रही है और हमारा लेवल भी अप हो गया है, क्योंकि गाइस अभी मैंने शुरुआत की है, क्योंकि मैंने इससे पहले ये बिल्कुल नहीं खेली थी। मेरे एक दोस्त ने बताया कि मिनी मिलिशिया अपडेट हुई है, तो मैं आपके लिए मिनी मिलिशिया लेके आया। सो अब हम गेट बैटल पास नहीं ले सकते, यहाँ पे पैसे हमें मिले हैं थोड़े से। सो गाइस जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जैसे कि इसमें वेटर हम तभी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हेयर या बॉडी, जब हमें ये जैसे कि यहाँ पे चेस्ट आपको दिख रही है, जब हमें ये मिल जाए, वैसे ही हम ये गन्स तभी उधर उठा सकते हैं SMG, जैसे कि हम अभी ये उठा सकते हैं, अभी हम इसको अपग्रेड भी कर देते हैं, हम ये सिर्फ तभी उठा सकते हैं जब ये हमारे इसमें आ जाए। सो अभी हम टीम डेथ मैच खेलेंगे, इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम मेरा अकाउंट मैचेस हमने 5 करे हैं, विन्स हम 5 हुए हैं, किल्स हमने 37 करे हैं अभी तक मैचेस 5 में से, और डेथ 40 बार हुए हैं हम। कोई बात नहीं गाइस, शायद से डेथ ज़्यादा हैं, हम इसको भी इम्प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखिए कि हम हर वीडियो में अच्छा ही करेंगे। तो अभी हम टीम डेथ मैच शुरू करते हैं, और आप अभी हम सबसे छोटे वाले एरिया में करते हैं क्योंकि वहाँ पे लोग बड़ी जल्दी आते हैं। सो हम करते हैं मिनी आउटपोस्ट। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको रैंडम खेलना है तो आप रैंडम भी खेल सकते हैं यहाँ पे, और ज़रूर बताइए कि अभी भी मिनी मिलिशिया कौन कौन खेलता है। और गाइस यहाँ पे हम शुरू हो गए हैं, यहाँ पे आए हैं अब्बू जान, टेन लिंक्स, रावण, लीजेंड गेमर, सुपर किंग और गनर साइक्लोन। और यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ, टेन लिंक्स, रावण, सुपर किंग और गनर साइक्लोन प्रो प्लेयर हैं, क्योंकि आप उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खोल चुके हैं, इसलिए शायद से कि मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ होया है। सो गाइस शायद से उन लोगों ने कुछ उनका कनेक्शन हट गया या रिकनेक्ट नहीं हो रहा है, सो इसलिए हमारा ज्वाइन नहीं हो पा रहा। ओके गाइस, सो हमारा रिकनेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो गाइस मैं अभी इसको हम कनेक्शन मेरा लूज़ हो गया है। सो गाइस अभी हम इसको ठीक करते हैं और आपसे मैं बोलता हूँ। सो गाइस ये खुद ही ठीक हो गया, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। सो गाइस हम टीम डेथ मैच पे जाते हैं, मिनी आउटपोस्ट बैटल। गाइस अगर हम एक बार लेवल 5 पे मिल जाए तो हम और अच्छी तरह से कर पाएँ, और यहाँ पे सिर्फ प्रो प्लेयर सारे ही हैं, AK, इशाद खान, एजेंट, मेजर माथरन, इंटेट फॉक्स, और मैच स्टार्टेड हो गया और हम मैंने आउटपोस्ट पे उतर गए हैं। तो गाइस हमारे दो प्लेयर उधर हैं, अब हम दुश्मन यहाँ पे रहते हैं हमारी जगह पे, लेकिन वो हमारी जगह पे आ सकते हैं। तो गाइस हमने एक बंदे को तो मार ही दिया अभी तक, और गाइस हमें एक बंदे ने मार दिया लेकिन हमने भी एक को मारा है, तो हमें परेशानी की कोई बात नहीं है, और हमारी टीम प्लेयर्स भी अच्छा खेल ही रहे हैं। गाइस और गाइस हमें एजेंट को मार दिया है, और वो एकदम से आगे चले गए। गाइस ये क्या हुआ, उन्होंने दो बंदों को एक साथ मार दिया। गाइस हम जीत के रहेंगे, और गाइस
और गाइस मैंने आपको कहा था कि वो प्रो प्लेयर हैं, लेकिन हम अभी भी आगे चल ही रहे हैं। गाइस ये क्या, वो बराबर हो चुके हैं हमसे। हम गाइस पूरी कोशिश करेंगे इनको हराने की गाइस। और गाइस हमारे प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहे हैं और वो मरे जा रहे हैं, और हम यहाँ पे रिलोडिंग भी कर लेते हैं। और गाइस उसने हमारे ऊपर बॉम्ब मारा, कोई बात नहीं गाइस। सो गाइस मैंने यहाँ पे थोड़ी आवाज़ कम हो गई थी गलती से, कोई बात नहीं। और अगर आपको गाइस लग रहा है कि ये कंप्यूटर पर खेल रहे हैं, तो गाइस हम कंप्यूटर गेम्स भी खेलते हैं, लेकिन हम उसकी वीडियो ज़्यादा डालते नहीं हैं। अगर आप चाहें तो मैं कंप्यूटर वीडियोस भी डालूँगा गाइस, और शायद से इनका कनेक्शन ही जा चुका है। अरे नहीं, ये तो एकदम सही। गाइस ज़्यादातर लोग हैक लगाते हैं, लेकिन हैक में इतना मज़ा नहीं है जिसमें ऐसे खेलने में, क्योंकि हैक में तो वॉल के अंदर जा सकते हैं, फुल बूस्ट है, फुल लाइफ है, तो ऐसी चीज़ों में मज़ा नहीं आता। इसलिए गाइस जो हैक लगाते हैं वो उनकी गेम वो हमेशा बोर भी हो जाते हैं बड़ी जल्दी, क्योंकि उनकी गेम इतनी अच्छी नहीं चल रही होती। और गाइस ये क्या, हमने दो बंदों को मारा, फिर हम इशाक खान से मर गए हैं। और यहाँ पे शायद से मेरी बैटरी भी लो हो गई है फ़ोन की, कोई बात नहीं गाइस। हम आपको ये और हमने यहाँ पे इशाक खान को मार दिया और हमें एक ने। और गाइस ये क्या, ये हम आज से 3 नंबर आगे चल रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छी तरह खेल रहे हैं, सिर्फ 2 बंदे को मारने। और गाइस शायद से आगे से कोई आ रहा है, ये हमने इसके तो ऊपर बॉम्ब फेंक तो दिया है, और गाइस ये हिल ही नहीं पाए। और गाइस ये बहुत अच्छी तरह खेल रहे हैं, हम अभी भी 2 नंबर से पीछे और 40 सेकेंड रह गए। गाइस हम जैसे भी करके जीत के रहेंगे, और यहाँ पर मेरा थोड़ा गुस्सा भी बढ़ गया है, सॉरी गाइस। सो गाइस हमें जीतना है जैसे भी करके। नंबर हमसे आ गया, हम क्या करें गाइस, सिर्फ 20 सेकेंड और 1 नंबर। अगर गाइस हमने इस 15 सेकेंड में कुछ कर लिया तो हम पूरी। गाइज हम एक से, और गाइज यहाँ पे टाई हो चुका है, मैच ओवर 24-24 यहाँ पे टाई हो गया है हमारा, लेकिन रेड टीम विन हो गया है हमें पता नहीं कैसे, क्योंकि मेरे को पता है क्योंकि वो प्रो प्लेयर्स थे, और हमने यहाँ पे किल किए हैं 5-5-14। सो गाइज हम अभी आपसे 2 मिनट बाद मिल, सो गाइज अभी हम नेक्स्ट गेम भी शुरू करते हैं, तो अभी हम शुरू करते हैं। तो गाइस हम शुरू करते हैं अब, तो हम शायद से प्रैक्टिस तो कोई खेलता नहीं, हम 3 डेथ मैच भी हमारा खेलने का मन नहीं कर रहा। सो हमने 3-4 ऑल में आउटपोस्ट निकले था, तो अब हम मिनी आउटपोस्ट खेलते हैं। और अभी आपको लग रहा है कि हम रेड, जो हम विंस देख रहा था तो हम ही जीते थे, मेरे को लगा कि हम ब्लू टीम में है, लेकिन हम रेड टीम में थे। सो गाइस यहाँ पे हमारा मैच शुरू हो गया है, और यहाँ पे प्लेयर्स आ गए हैं, इंटेट बस्टर, एस्ट्रेक, फ्लाइंग पैंथर, मैग रेबल, बाबू भाई। सो गाइस यहाँ पे बाबू भाई के साथ मैंने एक बार खेली, और फ्लाइंग पैंथर के साथ भी, ये दोनों प्रो हैं। और एस्ट्रेक के साथ अभी हम खेल के देख लेते हैं, और मैग रेबल के साथ। सो गाइस ये कहते तो यहाँ ही हो गया मैग रेबल, हमने अभी नाम लिया और हमें पता भी नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। अभी तो गेम की शुरुआत हुई है, और हम गेम की शुरुआत में मर चुके हैं, तो अब हम इसको बताते हैं कि हम लोग हैं कौन। और ये देखिए फ्लाइंग पैंथर अपने पास पिस्टल ज़्यादा रखते हैं, लेकिन वो मरते भी हैं हमसे बहुत बार। सो गाइस अब देखिए हम इनको यहाँ ही से इस्तेमाल करेंगे।
अभी आपको दिख रहा होगा कि मेरे को उनका कुछ नहीं दिख रहा, मैं बिना देखे हुए मार रहा हूँ और वो मर गए। और गाइस शायद से हम कमिटेड सुसाइड हो गए हैं, लेकिन बाबू भाई से हो रहा है क्योंकि हम हमारा बूस्ट ख़त्म हो गया और हम नीचे गिर गए। सो गाइस हम थोड़ा इधर आ जाते हैं और बाबू भाई ये आप बंदूक बॉम्ब रख लीजिए। और गाइस एस्ट्रिक बच गया हमारे बॉम्ब से, कोई बात नहीं। और यहाँ पे इंटरडिक्शन ने लिखा है RDK और मैग रेबल जा चुके हैं। और ये क्या बाबू भाई यहीं जिंदा हो गए। और गाइस यहाँ पे हमें एस्ट्रिक ने मार दिया और एस्ट्रिक ने बाबू भाई को भी मार दिया है। सो गाइस यहाँ पे बाबू भाई मिल गया हमें और ये हमने बाबू भाई पे छोड़ा तो है और बाबू भाई हमारे यहाँ तो मर गए और हम कम्युनिटेड सुसाइड हो गए क्योंकि हमारा बूस्ट ख़त्म हो गया और हम फट गए बॉम्ब से अपने ही। गाइस हमारी थोड़ी सी वीडियो बंद हो गई थी गलती से। सो गाइस हम वापस से शुरू हो चुके हैं, इसलिए हम वापस आ गए और हम जिंदा हो गए हैं। तो गाइस शायद से यहाँ पे नेट प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं गाइस हमारी नेट प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इनके हो गई है। तो हम दूसरे बंदों को मारने चलते हैं गाइस, शायद उन्होंने गेम छोड़ दिया है इसलिए ऐसा हो रहा है। निंजा हैज द मफिन मैन विद ओमियो। वाह और गाइस हम शायद से इस बार नहीं जीत पाए क्योंकि एस्ट्रिक के सोलह हम सेकंड तो आएंगे, बस बाबू भाई से एक नंबर पीछे। और यहाँ पे हम बॉम्ब गिरा देते हैं, खुद ही नहीं जीत पाएंगे और हमें ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रैंक पैंथर एस्ट्रिक सब मिल गए हैं, एस्ट्रिक मैंने आपको बोला था प्रो प्लेयर है क्योंकि उसने फुल लाइफ किया और वो एक बार भी नहीं मर पाए हैं। तो गाइस देखें आप, मैं जैसे कह रहा था कि इन लोगों ने हैक लगाए हुए हैं, सो गाइस वैसे ही एस्ट्रिक ने भी हैक लगाया हुआ है। देखा गाइस वो अभी भी नहीं मरे, हम लोगों ने दोनों ने एक साथ मिलके उनको मारा, वो तब भी नहीं मिले मरे क्योंकि उन्होंने हैक लगाया हुआ है फुल लाइफ का। तो सही मैं यही कह रहा था कि वो अकेले पूरी लाइफ जिंदा रहेंगे, जो मर्जी कर सकते हैं, इसमें क्या मज़ा है आप खुद बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए। सो गाइस अभी हम शुरू करते हैं और हमारी शायद शुरू नहीं हुई। और गाइस हमने एस्ट्रिक को मार डाला, हमें पता भी नहीं चला। और गाइस एस्ट्रिक हमसे फ्लाइंग पैंथर आए हैं। और गाइस हम यहाँ पे एस्ट्रिक ने मार दिया है। गाइस शायद से हम फिर से एक मार्क से हट जाएंगे। सो गाइस आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं हर मैच में हार रहा हूँ। सो गाइस मैं क्या करूँ कि यहाँ पे सारी प्रो प्लेयर आ रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारा रिकनेक्ट हो गया और हम शुरू हो गए। सो गाइस अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, वहाँ पे हमें मिल गया है तो हम इसको कलेक्ट करते हैं पहले। और गाइस हमारा गैटल पास अपग्रेड भी हो गया थैंक्स, और हमें ये गोल्डन चेस्ट मिल गई। सो गाइस हमें देखते हैं क्या मिलता है, 102 कॉइंस, एक हंटिंग पिस्टल और एम्प गन कंटिन्यू। सो अब हमें जाना चाहिए आर्मरी पे, यहाँ पे हमें पहले हैंड गन्स चाहिए। यहाँ पे हम हंटिंग पिस्टल को पहले अप्रेज कर लेते हैं, फिर हमें एंड गैस पे नहीं जाना है, हमें SMG पे जाना है। हमें MPS मिल गई है, उसके बाद हमें स्नाइपर्स पे जाना है, हमें स्नाइपर भी मिल चुकी है गाइस, हम इसको भी अप्रेच कर देते हैं। और गाइस फिर हमें जाना है स्पेशल पे अभी हमें मिला था ये, तो अब हम इसको भी ले सकते हैं। सो अभी हमें हैंड गन पे नया ये ही मिला है Tech 7 9, SMG में हमें MPS और स्नाइपर्स में M4 14।
सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब के सामने जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी दबा दीजिए और ऑल पे कर दीजिए ताकि आपको जब भी मेरी वीडियोस आए नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं बार बार हार क्यों रहा हूँ तो गाइस मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये मेरी नई शुरुआत है। सो गाइस सॉरी उसके लिए। और गाइस अब हम नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, बाय गाइस।